24 फरवरी को प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल का सनसनीखेज मर्डर हुआ था। इस दौरान उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात दो सुरक्षाकर्मियों के ऊपर भी हमला किया गया था। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी तो दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई थी। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में भूचाल आया हुआ है। यूपी में सिर्फ योगी का बुलडोजर ही नहीं गरज रहा है बल्कि सियासी पारा भी हाई है। इसमें अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ और मायावती एक दूसरे की काट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सीएम योगी का ये बयान सुनिए जो उन्होंने उमेश पाल की मौत के बाद यूपी की विधानसभा में दिया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहता माफी है, इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मुखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सीएम योगी उन माफियों को लेकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने उमेश पाल की हत्या में अहम रोल निभाया। सीएम योगी ने कहा कि वो ऐसे माफियाओं का सफाया कर देंगे, लेकिन ये बात सिर्फ सीएम योगी तक ही नहीं थी, अखिलेश यादव भी इस जुबानी जंग में कूद पड़े। उन्होंने योगी के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध हैं, आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी बनारस में, ये बड़ी साजिशें हैं। पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है आने वाले चुनाव में। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? अखिलेश यादव और सीएम योगी एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से 100 माफियों की लिस्ट जारी करने की मांग कर दी, लेकिन बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। इसमें एंट्री होती है मायावती की। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं, जिस पार्टी में वे MP व MLA रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BSP ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है, मामले की जांच में इनके दोषी साबित होते ही बाहुबली की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। इन सभी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे कांड के बाद यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।